प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग फिर से लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जो दो टॉपिक आता है कंपेयरिंग नंबर एंड ऑर्डरिंग द नंबर, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो मतलब रियल लाइफ में बहुत बार हम होता क्या है ना कि हम लोग को दो नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है, दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई कार बाई करना हो तो आप लोग ये चेक करते हैं भाई किस कार का प्राइस कितना है, किस प्राइस कितना है, कौन बेस्ट है प्राइस पे, राइट। आप कोई भी मोबाइल बाई करते हैं तो देखते हैं भाई ये मोबाइल सस्ता है, वो मोबाइल अच्छा है, कौन से में बेस्ट प्राइस में हमको ज्यादा अच्छा मोबाइल मिल सकता है, राइट। तो कंपेरिजन हम लोग डेली लाइफ में हम लोग हमेशा करते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसमें जो हम लोग कंपेरिजन करते हैं कैसे सीख सकते हैं हम लोग। ओके, तो जो कंपेरिजन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ ही चुके हैं, इस क्लास में हम थोड़ा सा बड़े नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। तो आप इन तीन सिंबल्स से ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, पहला सिंबल। और मैं अपने क्लासेस में हमेशा बोलता हूँ कि आपको बस एक सिंबल याद रखना है, वो सिंबल कौन सा है, आपको सिंबल आपको याद रखना है, आपको इस सिंबल को जो बोलते हैं हम लोग ग्रेटर का, आपको हमेशा याद रखना है कि ये सिंबल आपको ग्रेटर का शो करता है। क्यों? क्योंकि बार बार होता क्या हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार कि अच्छा ये ग्रेटर देन का साइन था कि वो ग्रेटर देन का साइन था, दोनों का जो है सिमिलर साइन है कि नहीं। तो आपको याद क्या रखना है कि ये जो साइन है वो क्या है, आपको क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ये अगर इस तरह का साइन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो किसका साइन होना चाहिए, वो होना चाहिए स्मॉल का साइन होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम सब देखते हैं कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो दो स्टेप्स में हम लोग कंपेरिजन करते हैं। पहला स्टेप देखते हैं क्या है, बोल रहा है कि नंबर विथ लेसर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ऑलवेज स्मॉलर। तो अगर मान लीजिए दो नंबर को मुझे कंपेयर करना है तो दो नंबर में पहले हम लोग डिजिट्स को काउंट करेंगे हम लोग। तो जिस नंबर में डिजिट्स कम होंगे वो छोटा होगा, जिस नंबर में डिजिट्स ज्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं देखिए यहाँ पे 4 डिजिट है इस नंबर में और इस नंबर में क्या है 5 डिजिट है, तो नंबर कौन सा बड़ा होगा, आपको ये बड़ा होगा। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? ये दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है। देखिए आप यहाँ पे लेफ्ट में 4 है, यहाँ पे लेफ्ट में 1 है। अगर आप लेफ्ट से कंपेरिजन करना सीखेंगे तो क्या होगा, आपको तो लगेगा कि ये नंबर बड़ा है, राइट। बट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 4 डिजिट है और इसमें 5 डिजिट है। नेक्स्ट, मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस ईयर में भी बता चुका हूं मैं कि साइन देते कैसे हैं। अब मान लीजिए ये बड़ा है तो कैसे साइन दे, तो मैं बता चुका हूं कि जो नंबर बड़ा होता है उधर क्या होता है, हम लोग जो है माउथ को ओपन रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर नंबर बड़ा है तो हम कैसे करेंगे, साइन करेंगे, ऐसे साइन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, ये बड़ा है इसलिए इधर ओपन है और इधर ये साइन ये क्या है, लेफ्ट में क्या है, क्लोज है, राइट साइड में ओपन है दोनों, ठीक है, और यहां पे क्या है, क्लोज है। अंडरस्टूड? नाउ चलिए देखते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं ना। देखिए ये मैंने बता रखा है कि ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, तो क्या है? ये साइन दोनों मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब आपको क्या सोचना पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, ये स्मॉलर देन का साइन होना चाहिए। ओके, तो यही मैं इसी की बात कर रहा था। ओके, चलिए, तो ये फर्स्ट स्टेप हम लोग समझ लिए। सेकंड स्टेप देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि दो जो नंबर्स हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों नंबर्स क्या होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं, तो क्या करेंगे उस केस में, तो उस केस में करते क्या है देखते हैं। If the number having equal number of digits, अगर दो नंबर या जितने भी नंबर दिए हुए हैं कंपेयर करना, जो भी अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है तो करें क्या लोग, स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। क्या करें हम लोग, नंबर्स में जो डिजिट है उसको कंपेयर करना करेंगे कहां से, एक्सट्रीम लेफ्ट से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये दो नंबर है मुझे से कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग करें क्या, हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे, तो काउंट करते हैं इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दोनों में 9 और नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इसका मतलब पहला स्टेप से हम लोग को पता नहीं चला है कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। ओके, सेकंड वाले से देखते हैं हम लोग, जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो तो क्या करेंगे हम लोग, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक्सट्रीम लेफ्ट से, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहां से स्टार्ट करेंगे हम, यहां से चलेंगे हम यहां पे और लेफ्ट से चलेंगे, ठीक है ना। ये नंबर का एक्सट्रीम लेफ्ट है, ये नंबर का एक्सट्रीम लेफ्ट है, यहां पे आपको स्टार्ट करना है और यहां से आपको कंपेयर करके चलना है। ओके, अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? और क्या करेंगे हम,
तब तक हम पढ़ते जाएंगे जब तक मेरे पास दो डिफरेंट क्या हो डिजिट्स ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे थ्री है यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे सेवन है यहाँ पे भी सेवन है, यहाँ फोर है यहाँ पे भी फोर है, नाइन है नाइन है, एट है यहाँ पे क्या है सिक्स आ गया, यहाँ पे एट है और उसी प्लेस पे यहाँ पे इस नंबर पे क्या है सिक्स है, दिख रहा है आपको। बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, ये सिक्स छोटा है, तो क्या होगा आंसर ये हो जाएगा। सिंपल है, वेरी सिंपल राइट। पहले हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, अगर सेम है तो क्या करेंगे हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग और काउंट करना हम लोग चेक करना शुरू करेंगे कि किस नंबर पे जो डिजिट है वो कौन सा बड़ा है। ओके तो जिस नंबर में वो उस प्लेस पे सेम प्लेस पे देखिए यहाँ पे एट और सेवन दोनों का प्लेस क्या है 10,000, ये भी 10,000 प्लेस पे है, तो दोनों का 10,000 प्लेस पे क्या है डिजिट बिना डिफरेंट आ गया, तो वहां पे स्टॉप कर जाएंगे। अब डिसाइड करें क्या यहाँ पे एट बड़ा है इसलिए ये नंबर लेफ्ट वाला बड़ा हो जाएगा। ओके चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं ना। सेकंड एग्जांपल में फिर से हम लोग काउंट क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें सेम है। देखिए यहाँ पे कितना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें कितना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो फर्स्ट स्टेप से हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं, सेकंड स्टेप पे जाएंगे हम लोग। सेकंड स्टेप पे क्या हो रहा है कंपेयर करेंगे डिजिट को एक्सट्रीम लेफ्ट से, फिर से हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट से कंपेयर करेंगे हम लोग और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है चलिए मैं दूसरा मेथड बताता हूँ हम लोग करेंगे क्या कि ये दोनों नंबर को ना एक ऊपर नीचे लिख देंगे हम लोग। ठीक है चलिए लिखते हैं पहले इस नंबर को हम लोग, क्योंकि दोनों में देखिए दोनों में क्या है नंबर ऑफ डिजिट सेम है, आप लिखेंगे हम लोग देखिए 7, 4, 8, 7, 2, 1, 9, 5, ओके और यहाँ पे फिर से क्या है यहाँ पे 7, 4, 8, 7, 2, 1, 8, 5। अब देखिए हम लोगों ने ऊपर नीचे लिख रखा है, अब देखिए कंपेयर करें तो क्या ये दोनों सेम है, सेम है, ये दोनों सेम है, दिख रहा है आप दोनों में सेम प्लेस पे डिजिट्स सेम है, दिख रहा है आपको यस, यहाँ पर भी सेम है। देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है वंस टेंथ प्लेस वाले डिजिट पे, तो टेंथ प्लेस वाले डिजिट पे क्या है आपको एक में नाइन एक है एक में क्या है नाइन है, तो बड़ा कौन सा होता है नाइन, नाइन कहाँ से आया है वो इस नंबर से आया, तो बड़ा कौन सा नंबर होगा लेफ्ट वाला बड़ा होगा। ओके तो क्या करेंगे हम लोग साइड से देखिए इधर क्या करेंगे हम लोग ये जो एरो जो है उसका माउथ ओपन किधर होगा लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, तो ये नंबर मेरा बड़ा हो जाएगा और ये नंबर छोटा हो जाएगा आपको। ठीक है अब नेक्स्ट समझते हैं हम इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, तो इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, तो देखिए मैं बता चुका हूं आपको ग्रेटर का और स्मॉल का साइन क्या है। ठीक है ना देखिए यहाँ पे ये मैं बता चुका हूँ ये किसका साइन है, तो ये दोनों क्या है ग्रेटर देन का साइन है, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, अंडरस्टूड समझ में आपको कैसे लिखेंगे हम लोग, चलिए मैं लिख देता हूं आपको इज साइन है तो ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर ग्रेटर देन देखिए यहां पे मैं टी एच ए एन लिख रहा हूं, देन होता है देन नहीं होता है, टी एच ई एन रॉन्ग है, टी एच ए एन राइट है, इज ग्रेटर देन दिस नंबर, समझ में आपको, तो इस तरह से हम लोग वर्ड्स में हम लोग राइट करते हैं, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए अब इसी टॉपिक को यूज करके हम लोग जो है ऑर्डरिंग करते हैं, तो ऑर्डरिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है किसी पर्टिकुलर कोई भी चीज को हम लोग अरेंज करते हैं बेसिकली। ठीक है ना ऑर्डर का मतलब क्या होता है कुछ एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करना। ओके और ये भी हम लोग बहुत बार रियल लाइफ में हम लोग यूज करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको आपको आप एक लिस्ट बना रहे हैं फॉर सपोज कि ये जो नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये चार प्लेयर्स का स्कोर है। ओके एक क्रिकेट मैच है, ठीक है मैच में मान लीजिए अभी तक जितने भी प्लेयर्स है उसमें से चार प्लेयर्स है जो ए बी सी डी मान लीजिए हैं उनमें से ये चारों का मान लेते हैं हम लोग हाँ चार प्लेयर्स जो है ए बी सी डी उन चारों प्लेयर्स में से हम लोग क्या है मान लीजिए इतना मार्क्स इतना रन स्कोर किया है। ओके तो इतने रन स्कोर किए हैं आपको पता लगाना था कि सबसे जो टॉप स्कोरर कौन सा है, सबसे ज्यादा रन किसने किस प्लेयर ने मारा है और सबसे कम रन किस किस प्लेयर ने मारा है। ठीक है ना तो अब कैसे पता चलेगा उसको हम लोग क्या करते हैं अरेंज कर देते हैं। ठीक है अब अरेंज करेंगे तो हम लोग दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग,
पहला कैसे, पहला सबसे करेंगे, सबसे जो ज्यादा मार्क्स रन स्कोर किया है उसको ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे उससे जो कम स्कोर किया है, उससे जो कम स्कोर किया है उसके बाद लिखेंगे, और उससे कम जो स्कोर किया उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। या फिर सेकंड तरीका क्या है कि सबसे जो कम स्कोर किया पहले उसको लिखेंगे, सबसे जो कम स्कोर है ठीक है उसको लिखेंगे हम लोग, उसके बाद उससे जो ज्यादा रन स्कोर किया है उसको लिखेंगे, उससे ज्यादा जो रन स्कोर किया उसको लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे हम लोग सबसे ज्यादा जो रन स्कोर किया है उसको राइट करेंगे हम लोग। तो ये दो तरीके हैं, और इसी दो तरीके को हम लोग दो नाम दे देते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो चलिए समझते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं बार बार बताता हूं अपने क्लासेस में कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है, चढ़ना, असेंड करना ऊंचाई पे। मान लीजिए हम लोग ऊंचाई पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे क्या करते हैं हम लोग, सीढ़ी पे असेंड करते हैं हम लोग, वन बाय वन स्टेप हम लोग क्या करते हैं, असेंड करते हैं। और डिसेंड का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे आना, डिसेंड करना ठीक है ना। असेंड मतलब ऊपर जाना, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ पर हम लोग जाते हैं, और डिसेंड का मतलब क्या होगा, नीचे आना। अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? तो देखिए असेंड का मतलब क्या होगा, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। असेंड का मतलब क्या होगा, नीचे से ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए मैं हाइट की बात करूं, तो मान लीजिए आप किसी रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं आप, तो आपका मान लीजिए आप किसी पॉइंट पे हैं, कुछ देर क्या होगा आप और ऊपर चले जाएंगे, तो हाइट जो है जमीन से क्या होगा आपका धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है कि नहीं। अंडरस्टूड? तो उसी तरह से यहाँ पे नंबर के केस में भी क्या होता है, पहले हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ऐसे करके हम लोग लिखते जाते हैं। ओके, डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा पहले जो ऊंचा होता है वहां पे लिखेंगे हम लोग, वो सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो लिखेंगे, उससे छोटा नंबर लिखेंगे, उससे छोटा नंबर लिखेंगे, उससे छोटा, ऐसे करके हम लोग जो है लिखते जाते हैं। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? तो चलिए देखते हैं हम लोग इस नंबर को, हम लोग ये जो चार नंबर दिए गए हैं कैसे उसको हम लोग जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए हम लोग दो नंबर को या फिर दो से ज्यादा नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो कैसे यूज करेंगे हम लोग, पहले चेक करेंगे हम लोग किस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, किसमें ज्यादा है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर है, तो छोटे से बड़ा जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, तो स्मॉल से दिख जाएगा, सबसे पहले देखेंगे हम लोग, तो स्मॉल से दिख जाएगा, तो सबसे छोटा जो होगा उसको हम लोग नंबर वन देंगे, उसे जो थोड़ा सा बड़ा होगा उसका नंबर टू देंगे, उसे जो बड़ा होगा उसका नंबर थ्री देंगे, और सबसे बड़े वाले को नंबर फोर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं, और इसमें क्या है, 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 डिजिट्स हैं। देखिए आपको यहां से पता चल जा रहा है क्या, कि ये दोनों 7 डिजिट है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों डिजिट नंबर जो है वो इन दोनों नंबर से क्या छोटा होगा, कि नंबर ऑफ डिजिट क्या है, छोटा है। नेक्स्ट चीज, इस दोनों नंबर में क्या होगा, ये छोटा नंबर होगा, ये बड़ा नंबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इसमें बड़ा है इसमें कम है। तो मुझे तो ये पता चल गया सबसे पहले, अगर मैं डिसाइड कर लूं कि इसमें से नंबर वन नंबर टू कौन है, तो मुझे पता चल गया ये तो नंबर थ्री है और ये नंबर फोर है, तो मुझे पता चल गया है कि ये लास्ट टू बिगर नंबर है, मुझे इसमें दोनों पता लगा लेना है। तो फिर क्या करेंगे, इस दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग दोनों में 7 7 डिजिट है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट स्टार्ट करेंगे, 3 5 3 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 1000 प्लेस पे यहाँ पे 5 है इस नंबर में लेफ्ट वाले में, और राइट वाले में क्या है, 7 है, दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें ये सबसे छोटा हो गया, तो इसको हम देंगे क्या हम लोग, इसको दे देंगे हम लोग नंबर 1, और इसको हम दे देंगे नंबर 2, ये क्या है नंबर 3, और ये क्या है नंबर 4। ओके, तो इसको हम क्या है राइट कर देंगे हम लोग, अब इसको राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे हम लोग, देखिए कैसे राइट करते हैं हम लोग, इस नंबर को सेम ऐसे लिख देते हैं, देखिए 3 5 3 5 2 1 5, देखिए अब इससे जो नेक्स्ट नंबर क्या होगा बड़ा होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका साइन देंगे हम लोग, ठीक है ना, नाउ इससे बड़ा नंबर कौन सा था, ये नंबर था, तो इसको हम लोग राइट कर देंगे, नाउ इससे बड़ा जो नंबर होगा वो ये राइट साइड वाला होगा, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, ये साइन दे देंगे हम, और इससे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है जस्ट बड़ा नंबर, और लास्ट में कौन सा हो गया, लास्ट में कौन सा हो गया आपको, ये हो गया, तो 1 2 4 5 6 7 8 3 1, तो देखा आपने, ये हो गया हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे सबसे बड़ा। अंडरस्टूड? नाउ चलिए इसी को देखते हैं डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, डिसेंडिंग मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखेंगे, है कि नहीं। तो देखिए यहां पर हमने ऑलरेडी छोटे से बड़ा लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको पहले लिख दूं,
सबसे बड़ा उसे छोटा कौन सा है, ये है, उसे छोटा ये है, उसे छोटा ये है। तो अगर मैं इसको नंबर वन कर देता, इसको नंबर टू कर देता, इसको नंबर थ्री और इसको नंबर फोर और फिर से मैं यहाँ पर लिख देता तो क्या हो जाता, वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता। समझ में आपको? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। अगर एक अगर किसी नंबर का एक बार असेंडिंग में लिख देते हैं नंबर्स को, तो उसका जस्ट उल्टा जो है राइट साइड से हम कर स्टार्ट करेंगे और नंबर को लिखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल में क्या है, फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर हो चुका है। अब देखिए स्क्रीन पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे कितना डिजिट है, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 डिजिट्स है। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट्स हैं। इसमें कितने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट्स हैं। और इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस दोनों में तो समझ में आ रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, इसमें कम है तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, है कि नहीं। इस दोनों में पता लगाते हैं, अब ये दोनों नंबर क्या है, ये दोनों नंबर जो है ये लास्ट टू वाले नंबर से छोटा है, क्योंकि इसमें कितने 7 डिजिट्स हैं। तो पहले पता लगाते हैं इस दोनों में आपको, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर से हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले बड़ा नंबर फाइंड करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर मुझे क्या मिल गया, ये नंबर मिल गया, तो किसमें सब इस चारों नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट किसमें है, इस नंबर में है, तो इसको हम लोग नंबर वन दे देंगे हम लोग। ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ इससे जस्ट छोटा कौन सा होगा, तो देखिए ये दोनों 7 डिजिट का नंबर है, ये 8 डिजिट का नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में मेरा नंबर 3 के अंदर नंबर 4 कौन सा है, तो चेक करेंगे हम लोग, दोनों में नंबर डिजिट सेम है तो हम लोग चेक करेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट से। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों में बड़ा कौन हो गया, ये लेफ्ट वाला बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये 3 नंबर पे आ गया और ये 4 नंबर में आ गया। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें और उसमें नंबरिंग मैंने कैसे दिया है। देखिए इसमें क्या था, जो सबसे छोटा जो था मैं उसको 1 नंबर 1 दिया था, उससे बड़े वाले को 2 दिया था। इसमें क्या है, सबसे बड़े वाले को नंबर 1 दिया हूं मैं। ठीक है, सबसे बड़े वाले को मैं नंबर 1 दिया हूं, इसमें सबसे छोटे वाले को नंबर 1 दिया था। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर था, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर था, इस वजह से उल्टा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अपोजिट, सबसे बड़े वाले को 1 दिया हूँ, उससे जस्ट जो छोटा है उसको 2, उससे जस्ट छोटा है उसको 3, उससे जस्ट छोटा है उसको 4 मैं दिया हूँ। चलिए अब इसको मैं रियल करके राइट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 1, 8, 3, 5, 4, 0, 0। ना देखिए ये सबसे बड़ा नंबर है, इसके बाद जो नंबर मिलेगी वो छोटा होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये साइन देंगे। हम लोग सेकेंड में क्या है, 2, 1, 4, 3, 2, 8, 1, 2, फिर से ये नंबर बड़ा होगा, नेक्स्ट वाला छोटा होगा। थर्ड में क्या है, ये है 72,84,561 और इससे ये बड़ा होगा किससे, इस वाले नंबर से होगा, 42,61,872। तो देखा आपने कैसे हम लोग ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप क्वेश्चंस आप अब ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।